आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सोनी निगम। शुरुआत करते हैं मुख्य घटनाओं से। गोरखपुर महानगर में ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के मद्देनजर अतिक्रमण के खिलाफ 2 अप्रैल से महीने भर चलेगा प्रशासन का बुलडोजर। जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों में पठन पाठन 1 अप्रैल से शुरू। भीषण गर्मी और लू से बच्चों को बचाने के लिए जिलाधिकारी ने दिए निर्देश। अगले 5 सालों में कैसे होगा गांव का विकास, वर्चुअल बैठक में योगी ने ग्राम प्रधानों को समझाया। संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए स्वास्थ्य महकमा चलाएगा अभियान। और बस्ती जनपद में हरैया थाना क्षेत्र में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 1 की मौत। अब सत्य घटना विस्तार। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार के मद्देनजर अतिक्रमण के खिलाफ पूरे महीने प्रशासन का बुलडोजर चलेगा। 2 अप्रैल से इसकी शुरुआत होगी। रूटवार तारीख तय कर दी गई है कि कहां किस दिन अभियान चलेगा। इसे लेकर गत दिनों हुई मोबिलिटी समिति की बैठक में ही DM विजय किरण आनंद ने निर्देश दिए हैं। अब इसका रोस्टर भी जारी कर दिया गया है। JP हॉस्पिटल से नंदानगर रोड तक इसकी शुरुआत होगी। आखिरी दिन यानी 30 अप्रैल को धर्मशाला चौराहा से जटाशंकर तिराहा होते हुए गंगेश चौराहे तक अतिक्रमण हटाया जाएगा। DM का कहना है कि अतिक्रमणकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हम लोगों की पूरे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन की व्यापार बंधुओं के साथ बैठक हुई है। पथ विक्रेताओं से लगातार संवाद किया जा रहा है। आज भी उनके साथ बैठक है। सबके सहयोग से, सभी के साथ मिलकर, जनमानस के सहयोग से जो यातायात की समस्या हैं, सभी हमारे आम जन को सुगम व्यवस्था हमारे सड़कों पे मिले, इसके लिए एक अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है। उसमें एक माइक्रो प्लान बना हुआ है, टीमें गठित की गई हैं और अंतर विभागीय समन्वय से वहाँ पे अवस्थापनाओं को सुदृढ़ किया जाएगा। सड़क में चौड़ीकरण, चौराहों का सौंदर्यीकरण, चौराहों में अच्छे रीडिजाइनिंग का कार्रवाई, ऑन द स्पॉट इंजीनियरिंग की कार्रवाई की जाएगी। गोरखपुर पुलिस की सक्रियता के कारण एक परिवार का खोया हुआ बैग महज 1 घंटे में बरामद हो गया। दरअसल जनपद महाराजगंज के रहने वाले सत्यनारायण गुप्ता अपने परिवार के साथ गोरखपुर आए थे। इसी दौरान उनका बैग ई रिक्शा में छूट गया, जिसकी सूचना उन्होंने जटेपुर चौकी पर दी और बताया कि बैग में एंड्रॉयड मोबाइल, रुपए और अन्य सामान थे। इस सूचना पर चौकी प्रभारी जटेपुर संजय कुमार गुप्ता द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए सर्विलांस की मदद से 1 घंटे के अंदर ई रिक्शा को खोज कर बैग बरामद कर सत्यनारायण को सौंप दिया गया। सर, सामान गायब हुआ, तुरंत हमने सर यहाँ जटेपुर पुलिस चौकी पे कंप्लेन किया और तुरंत सर एक्शन हुआ और सर के साथ में जो है आनंद कुमार सर जी के साथ में जो है सबसे 1 घंटे सर मेहनत के बाद नंबर को सर्विलांस पे लगाया गया और तुरंत पता से सर 1 घंटे के अंदर मेरा मोबाइल और बैग सारा हमको मिल गया। पैसे इसके लिए जी सर पैसे भी थे उसमें। क्या कहना चाहेंगे गोरखपुर पुलिस? अरे बहुत बहुत धन्यवाद, हमने सोचा नहीं था, तो फिल्मों में हमने केवल देखा था जो है, और पहली बार ये जो है गोरखपुर पुलिस में हमने देखा कि इस तरह एक्शन हुआ और बहुत हम इसके लिए शुक्रिया। प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री मत्स्य विभाग बनने के बाद निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के गोरखपुर पहुँचने पर पादरी बाजार कैंप कार्यालय पर लोगों से मिलने का तांता लगा रहा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने समाज की लड़ाई पहले भी लड़ता रहा हूं और आगे भी इसी तरह उनके उत्थान के लिए काम करूंगा। उन्होंने कहा कि सरकार में जो दायित्व उनको मिला है वो उसका बखूबी पालन करेंगे। इस समुदाय के लिए मैं संघर्ष कर रहा था और उस मेरी इच्छा थी कि उनकी सेवा का अवसर मिले और वो विभाग हमें दिया और उस मंत्रालय को 70 साल में, ये मंत्रालय था ही नहीं, विभाग था, किसी मंत्री के पास रहता था। इस विभाग ने इस समुदाय के विकास की मुख्यधारा में लाने के लिए इस मंत्रालय को अलग किया गया, उसमें कैबिनेट का दर्जा किया गया, जो मुख्यमंत्री के साथ बैठकर मंत्री मंत्रणा करके इनको विकास की मुख्यधारा में लाया जा सकता। जिले के सभी सरकारी और निजी विद्यालयों का संचालन 1 अप्रैल से हो चुका है। जिलाधिकारी विजय किरण आनंद ने बताया कि स्कूली बच्चों को भीषण गर्मी और लू से बचाने के
को लेकर संबंधित कार्रवाई करते हुए आदेश निर्गत किया गया है। बच्चों को भीषण गर्मी और लू से बचाव को लेकर विद्यालय संचालन की अवधि में परिवर्तन करते हुए जिले के सभी प्रारंभिक विद्यालयों में प्रातःकालीन सत्र में विद्यालय संचालित करने का निर्देश दिया गया है। शिक्षा विभाग द्वारा जारी निर्देश के अनुसार 1 अप्रैल 2022 से सभी प्रारंभिक विद्यालय का संचालन प्रातःकालीन सत्र 8 बजे से 2 बजे तक किया जाएगा। हाँ, नया सत्र प्रारंभ हो गया है आज से। और जैसे भीषण काल में 8 बजे से विद्यालय प्रारंभ होते हैं, सभी परिषदीय विद्यालय और मान्यता प्राप्त विद्यालय, और उसके लिए आदेश भी जारी किया है, अनुश्रवण किया जा रहा है। लगातार हम लोगों के द्वारा समीक्षा की जा रही है, निरीक्षण किए जा रहे हैं शिक्षा विभाग और ब्लॉक लेवल और जिला लेवल के टास्क फोर्स से। अभी स्कूल चलो अभियान भी माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा आरम्भ किया जा रहा है, जहाँ हर जनपद में ये अभियान चलेगा। और जितने भी बच्चे अभी स्कूलों में दाखिला नहीं हुआ है, उन सबका पंजीकरण सुनिश्चित किया जाएगा और उनको सारी उपलब्धियां सुनिश्चित कराते हुए अच्छी गुणवत्ता की पढ़ाई के लिए परिषदीय विद्यालयों में व्यवस्था की जाएगी। विकासखंड पिपराइच में नाबार्ड द्वारा महिला स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए 15 दिवसीय टेराकोटा आभूषण प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह ने सभी महिलाओं को उद्यमिता की राह पर चलने के लिए प्रेरित किया। प्रशासन द्वारा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने नाबार्ड से स्वयं सहायता समूह के उत्पादों की मार्केटिंग व अन्य मेलों के माध्यम से जोड़ने पर बल दिया। कार्यक्रम के दौरान जिला विकास प्रबंधक दीप्ति पंत ने नाबार्ड द्वारा स्वयं सहायता समूह को आगे बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रयासों पर चर्चा की। नाबार्ड द्वारा हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। खंड विकास अधिकारी प्रीति वर्मा ने प्रशासन द्वारा स्वयं सहायता समूहों के लिए किए जा रहे विभिन्न प्रयासों की जानकारी दी। और हमारे ट्रेनर रश्मि जी, आपका एक्सपीरियंस सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा, और जनाब प्रशांत गढ़ोरियल जो उसकी एनजीओ है उनका भी धन्यवाद, और मार्केटिंग जो आगे आप करोगे उसका भी धन्यवाद, और सारी समूह की महिलाएँ जिन्होंने इसको बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आगे ले लिया। ये चीज में संचारी रोगों पर नियंत्रण के लिए गोरखपुर का स्वास्थ्य महकमा संचारी रोग नियंत्रण अभियान चलाएगा। 2 अप्रैल से शुरू होकर ये अभियान 30 दिनों तक चलेगा, जिसमें स्वास्थ्य विभाग से जुड़े लोग घर घर गांव गांव जाकर लोगों को रोगों से बचाव के लिए जागरूक करेंगे। इस संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष दुबे ने कहा कि पूर्व में पूर्वांचल में इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी का प्रकोप था। देखिए, आज हम लोग जो है संचारी रोग जो हमारा इस वर्ष शुरू होने जा रहा है, उसके लिए हम लोग यहाँ एकत्र हुए हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि 2017 के पहले संचारी रोग जो हुआ करते थे, खास करके जो हमारे तराई क्षेत्र थे, जैसे इसमें गोरखपुर का जो बेल्ट था, वहाँ पर JEAES मलेरिया फाइलेरिया डेंगू इनकी संख्या में अत्यधिक हुआ करते थे। खास करके अगर हम JEAES की बात करें तो इनकी संख्या 3 अंकों के ऊपर होती थी, और इवन यहाँ तक कि मरने वालों की संख्या भी 3 अंकों तक होती थी। 2017 में जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने पदभार ग्रहण किया, तो चूंकि इस समस्या से वो बहुत अच्छी तरह से रूबरू थे, उन्होंने सार्थक प्रयास किया, और उस पहल का नतीजा ये हुआ कि जो हमारी मरीजों की संख्या 3 अंकों और 4 अंकों में होती थी, और जो मृतक लोगों की संख्या 3 अंकों में होती थी, वो घट करके 1 अंक या 2 अंक में सीमित हो गई है। अगर गोरखपुर के चौरी चौरा इलाके में 25 मार्च को उपद्रव करने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ी कार्रवाई करते हुए उनके फोटो भोपा बाजार, बस स्टेशन, तहसील सरदार नगर सहित क्षेत्र के कई जगहों पर चस्पा किया। बता दें कि सेना के जवान की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के बाद शव आने पर सैकड़ों लोगों ने मृतक जवान को शहीद का दर्जा देने सहित अन्य मांगों को लेकर सड़क व रेल मार्ग जाम कर तोड़फोड़ व आगजनी की थी। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कई आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, और जो बचे हैं वीडियो और फोटो के आधार पर उनकी शिनाख्त कर तलाश कर रही है। जो
जो दिनांक 25/3/2022 को भोपाल चौराहे पर कुछ लोगों द्वारा जो है रोड जाम करके जो है आंदोलन के रूप में जो है धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, उसी में जो है बाद में इनके द्वारा जो पथराव कर दिया गया था इन लोगों द्वारा, उन्हीं की शिनाख्त हेतु जो है पोस्टर तैयार करा करके भोपाल चौराहे पर, रेलवे स्टेशन पर, अन्य जो है जो भी सार्वजनिक स्थल हैं वहाँ पर चस्पा किया गया है और कराया जा रहा है। सर कितने टीमें लगी हुई लोगों को तभी इसके लिए गिरफ्तार की? अब टीमें जो है क्या जो चस्पा कराने के लिए जो है थाना प्रभारी आपके जो है चोरी चौरा है, थाना प्रभारी जगह है, और वहाँ भी जो है क्षेत्र में आपके जगह क्षेत्र में भी और चोरी चौरा क्षेत्र में जो भी सार्वजनिक स्थल हैं, बाजार हैं, उन जगहों पर जो है चस्पा कराया जा रहा है। गोरखपुर जिले में कच्ची शराब के कारोबारियों के खिलाफ आबकारी विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रवर्तन अभियान के अंतर्गत थाना राजघाट एवं गेडा थाना क्षेत्र में छापेमारी की गई। इस दौरान लगभग 80 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद कर लगभग 300 किलोग्राम लहन नष्ट किया गया। साथ ही दो महिलाओं के विरुद्ध अभियोग भी पंजीकृत किया गया। तारामंडल स्थित बैंक ऑफ इंडिया गोरखपुर अंचल के आंचलिक कार्यालय का उद्घाटन बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी ए.के. दास द्वारा किया गया। आंचलिक प्रबंधक अमित रंजन सिंह ने बताया कि बैंक ऑफ इंडिया ने गोरखपुर शहर में अपनी पहली उपस्थिति गोरखपुर मुख्य शाखा के रूप में दिसंबर 1975 में दर्ज की थी और तब से बैंक ऑफ इंडिया निरंतर अपने ग्राहकों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान कर रहा है। पिछले कुछ वर्षों से गोरखपुर और उसके आसपास के क्षेत्र खुदरा, MSME और कृषि क्षेत्र से संबंधित बैंकिंग व्यवसाय के क्षेत्र में बहुत तेजी से प्रगति की है। ये आंचलिक कार्यालय राज्य के पूर्वांचल और अवध प्रदेश से संबंधित कुल 16 जिलों की बैंक ऑफ इंडिया की शाखाओं से संबंधित कारोबार की देखरेख करेगा, जिससे इन सभी जिलों के ग्राहक सीधे तौर पर लाभान्वित होंगे। गुड आफ्टरनून, सर्वप्रथम एक जो सबसे बड़ी बात है, गोरखपुर अपने आप में एक ऐसा उन्नतशील इलाका है या क्षेत्र है जिस क्षेत्र में चौमुखी विकास हो रहा है। आज की तारीख में आप लोग कोई भी नया परियोजना देखो, कोई भी नया कार्यविधि देखो, और सबसे बड़ी बात है व्यापारिक गतिविधि देखिए, चाहे वो टेराकोटा का इंडस्ट्री हो हैंडीक्राफ्ट के लिए, चाहे वो टेक्सटाइल हो, चाहे वो कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हों, और विशेष तौर से एग्रीकल्चर खेती से जुड़े हुए विभिन्न जो है उद्यम हो, वो गोरखपुर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। बैंक ऑफ इंडिया ने एक कोशिश की है कि गोरखपुर क्षेत्र को एक जो है अपने निजी शर्तों पे प्रगति के लिए एक जो है अलग अंचल खोला जाए, जिसका जो है एडमिनिस्ट्रेशन यहीं से हो, गोरखपुर से ही हो, जिसमें कि क्या होगा, गोरखपुर की विभिन्न जो आने वाली इकाइयां हैं उन इकाइयों को जो है एक जो है हम बेहतर तरीके से वित्तीय सहायता दे पाएंगे। मुख्यमंत्री का दोबारा पदभार ग्रहण करने के साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास की गति को जोर देने की बात कही, साथ ही अधिकारियों को शिथिलता न बरतने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने ग्राम प्रधानों के साथ वर्चुअल बैठक कर उन्हें अपने क्षेत्र में विकास कार्य करने पर जोर दिया, साथ ही ग्राम प्रधानों को मिलने वाली सुविधाओं पर भी चर्चा की। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी प्रधानों को वर्चुअली संबोधित किया है, जिसमें उनसे जो पिछले 5 वर्ष में जो विकास कार्य कराए जा रहे हैं सरकार के द्वारा उसके बारे में बताया गया, और आगे कैसे कैसे विकास कार्य कराए जाएंगे उसके रोडमैप के बारे में बताया गया कि जो पंचायत भवन में जो कैसे पंचायत सहायकों की नियुक्ति की गई है इसके बारे में बताया गया, आंगनबाड़ी और विद्यालय में जो ऑपरेशन का आयकल चलाया जा रहा है उसके बारे में बताया गया। अब अगला फोकस जो SLWM पे होगा, सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट पे होगा, इसके तहत कि हर गांव में हर जगह नालियों का निर्माण होगा, जो वेस्ट स्टेबलाइजेशन पॉन्ड है जो तालाब होता है उसका संरक्षण करा करके कराया जाएगा, और जो गंदे पानियों को इकट्ठा करने के लिए जो है तालाब का निर्माण कराया जाएगा। गोरखपुर के जोमेटो कंपनी में डिलीवरी करने वाले वर्करों ने कंपनी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया। महानगर के शास्त्री चौक पर प्रदर्शन कर रहे डिलीवरी वर्करों का आरोप है कि कंपनी द्वारा उनका पारिश्रमिक आधा कर दिया गया है, जिसके कारण उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। उन्होंने कहा कि पहले उनको जो पारिश्रमिक दिया जाता था उससे उनका गुजारा हो जाता था, लेकिन अब कंपनी मनमानी कर रही है।
बराबर से आइए, बराबर से आइए, बराबर से करते हैं। आज हम लोग 3-4 साल से जोमेटो कंपनी में वर्क कर रहे हैं गोरखपुर सिटी में। गोरखपुर इतनी अच्छी सिटी हो चुकी है जहाँ पे ऑनलाइन फूड ऑर्डर होता है, और हम लोग ठंडी गर्मी जाड़ा बरसात कोई भी मौसम हो, हम लोग जाम हो या कुछ भी हो, टाइम से खाना डिलीवर कर देते हैं। उसके बावजूद भी हम लोग का पे आउट बढ़िया बनता था। आज एक महीने से हम लोग इतना परेशान हैं, जो हम लोग का पहले का पे आउट था उसका आधा का आधा हो गया, एक तिहाई कम हो गया है इस महंगाई पे बढ़ते हुए। सारे बच्चे इसी से परेशान होकर टीएल को सारी परेशानी बताया, टीम लीडर को। टीम लीडर कल आए, सारी बात सुनने के अलावा अनसुनना कर दिया, और गोलघर पुलिस चौकी पे बैठ के सारी डिस्कशन हुई। उसके बाद पुलिस चौकी के जो चौकी इंचार्ज साहब हैं, उन्होंने कहा कि जोमेटो का अगर जो गाड़ी दिखता है इंदिरा बाल विहार पे तो मैं चालान करूंगा। बस्ती जिले के हरैया थाना के अजगरा गांव में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष का मामला सामने आया। जमीनी विवाद में फरसे से हमले में एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को देखते हुए गाँव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। 4 महीने से 2 पक्षों में जमीन का विवाद चल रहा था। आज सुबह अमरनाथ ट्रैक्टर से खेत जोत रहे थे, उसी दौरान घनश्याम और उसके साथियों ने फरसा लाठी डंडा से हमला बोल दिया। हमले में अमरनाथ की मौके पर मौत हो गई। 1 महिला का सिर फट गया जबकि 2 अन्य लोग घायल हो गए जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को अंजाम देने वाले सभी आरोपी मौके से फरार हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की 2 टीमें लगाई गई है। सर पे लगा है। किसे मारे थे आपको? इधर ये शोल्डर से। और कहीं लगा है? अच्छा। और आपका क्या नाम है? किरण। किरण वर्मा, ठीक। चाचा कहाँ? चाचा क्या नाम है? बगिया में की रास्ता है माना था, और कहा हमें सब जोतत रहे तो सब एकदम ही सरसों जोत दे रहे, तो एकदम ही अप्लीकेशन पा रहा थाने पर, तो गए पुलिस ने वहाँ रुकवाई थी उनके सबका, कह दिया भाई कुछ ना के हो। हाँ, तो फिर अगले बाद में फिर आज जो गई जोता तो फिर की मार दी। तो कई लोग की मौत हुई है? 1 लोग। और घायल कितने लोग हैं? घायल 3 लोग। कौन कौन घायल है? नंदराम, किरण और हमारे छठी राम। अच्छा, कौन लोग मारे हैं? गंगाराम, रामदीन, लक्ष्मण, घनश्याम। कौन सा गांव है ये? बासगांव। कौन थाना पड़ता है? हरैया। पुलिस की लापरवाही मानी जाएगी इसमें? लापरवाही अब जब पुलिस करे हो गई वही अब क्या बताइए। 1 अप्रैल को प्रातः 9 बजे थाना हरैया पर सूचना प्राप्त हुई कि थाना हरैया के अजगरा बासगांव गांव में 2 पक्ष जो पड़ोसी भी हैं उनके बीच में पूर्व से रास्ते का विवाद लेकर चला आ रहा था, जमीनी विवाद था। उसी क्रम में जब एक पक्ष आज जमीन की जुताई करने पहुंचा तो दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और दोनों पक्षों के बीच में लाठी डंडे से मारपीट हो गई, जिसमें से एक पक्ष के अमरनाथ वर्मा, रामानंद वर्मा और विनोद वर्मा घायल हो गए। इन तीनों को CHC हरैया ले जाया गया, जहाँ पर अमरनाथ वर्मा के इलाज के दौरान मृत्यु हो गई। रामानंद वर्मा और विनोद वर्मा इनको सदर अस्पताल ले आया गया, जहां पर इनका इलाज किया जा रहा है, जहां ये खतरे से बाहर हैं। इनकी इस परिवार की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। मौके पर पुलिस है, मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। दोनों एक ही जाति के हैं, पड़ोसी हैं। इस संबंध में अन्य जानकारी की जा रही है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगातार दबिशें दे रही हैं। सत्य घटना के आज अंक में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहे अमेज़ नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। नमस्कार। आप देख रहे हैं अमेज़ नाउ।